सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो है अपने जो जीमेल अकाउंट होता है उसका आप किस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हो विदाउट फ़ोन नंबर एंड रिकवरी। अगर आपके इस तरीके से फेल ऑटोमेटिक आता है तो इसको आप कैसे सही कर सकते हो, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप सारी चीज़ों से ट्राई कर चुके हो तो सिंपल गूगल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है जो है अकाउंट रिकवरी, इसके इस पर क्लिक करना है। देन अकाउंट सपोर्ट का एक बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर सकते हो। आप रिकवरी ईमेल पर आप क्लिक कर देना। रिकवरी ईमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर हम सिंपल अकाउंट सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। देन फ़ोन नंबर आपको डाल देना है, जिसका भी ईमेल वगैरह डालना चाहते हो उस पर डाल देना है। अब आपके पास अगर पासवर्ड है तो ठीक है, वरना कोई अन्य तरीका आजमाई पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये नंबर्स वगैरह है तो ठीक है, वरना अन्य कोई दूसरा तरीका पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये जीमेल मांगेगा, अगर ये जीमेल किसी में चल रही है इस पर एक कोड जाएगा, वो आपको लगाना है। ये है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कोई अन्य तरीका आजमाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन नहीं कराया जा सका, इस पर इस तरह से आएगा। अब आपको क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आप उसी डिवाइस में लॉगिन करें जिस पर आपने पहले साइन इन किया हो, यानी कि उसी डिवाइस में आप वापस अकाउंट चलाने की कोशिश करें जिस डिवाइस में आपने पहले ये चलाया हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास फैमिली लिंक की मैनेज की मदद है तो आप पासवर्ड बदलने के लिए हम अपने माता पिता के हाँ, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वापस चला सकते हो, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे आपको वीडियो कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।